एक अनूठे अंदाज में महिलाओं ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ब्यावर में जलापूर्ति से गुस्साई महिलाओं ने ढोल नगाड़े के साथ दफ्तर में प्रवेश किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों के सामने मटके फोड़े। तो आपको बता दें कि ब्यावर में एक अनोखे अंदाज से महिलाओं ने अपना जो है गुस्सा व्यक्त किया है। जलापूर्ति से गुस्साई महिलाएं ढोल नगाड़े लेकर दफ्तर में पहुंची, अधिकारियों के सामने मटके फोड़े और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ दफ्तर में महिलाएं पहुंची हैं, नारेबाजी कर रही हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। एक अनोखे अंदाज में अपना गुस्सा और अपना आक्रोश जता रही है। ब्यावर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जल समस्या के चलते आक्रोशित महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में दफ्तर में प्रवेश किया, जमकर नारेबाजी की और मटके फोड़े अधिकारियों के सामने। महिलाओं ने अधिकारियों को चूड़ियां भी दिखाई और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हमारी मांगे पूरी करो, रहना पड़ेगा। जनता की बात, हाय हाय। जनता की बात, हाय हाय। जनता की बात, हाय हाय। आप देख सकते तस्वीरें जहां पे ढोल नगाड़ों के साथ अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है जलापूर्ति से। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी श्याम शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। श्याम, यह अनोखा तरीका निकाला है महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करने का, क्या है पूरा मामला? जी, इन महिलाओं का आरोप है कि पिछले एक महीने से इनके यहाँ नाम मात्र की जलापूर्ति हो रही है, 5 दिन के अंतराल में महज 10 मिनट की जलापूर्ति हो रही है। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने कई चक्कर लगाए लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें मजबूर होकर ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा। जी खालिद, आगे प्रशासन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, क्या अधिकारियों ने इनसे बातचीत की, कुछ आश्वासन दिया? हैरानी की बात देखिए, पिछले दिनों जब समीक्षा बैठक ली थी कलेक्टर ने, तब कलेक्टर ने भी इस तरह की शिकायतों पर काफी एतराज जताया था और फटकार भी लगाई थी। बावजूद इसके पीएचडी अधिकारियों की कार्यशैली में फिलहाल कोई सुधार नहीं आया है। इन महिलाओं ने ये भी चेतावनी दी है कि समय रहते उन्हें अगर राहत नहीं मिली तो वह इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेगी। जी श्याम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता ब्यावर से, जिन्होंने बताया कि तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और यहाँ पर कोई भी इनकी समस्या का समाधान करने नहीं पहुंचा है। हाल ही में कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली थी लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली और अब इन महिलाओं को मजबूर होकर के यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा। और इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई, जलापूर्ति की जो समस्या है उसका कोई हल नहीं निकाला गया, तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगी महिलाएं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर अपना आक्रोश व्यक्त करती है महिलाएं, ढोल नगाड़ों के साथ में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। जल आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान खींचने के लिए इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है।